इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उस पे चले जाना है और इस LMC 8.4 के साथ साथ ये दोनों XML फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के फाइल्स वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से डिवाइस स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद LMC 8.4 को ढूंढ लेना है और इसमें देख सकते हो इसमें अभी इतना सारा प्रीसेट मैंने खुद से ऐड किया है और तुमको ये प्रोसेस बताने वाला कैसे इसमें ऐड कर सकते हो। उसके लिए तुम यहाँ से बैक जाओ और जो तुम्हारा फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ये रहा XML फाइल, इसको टिक कर लेना है और यहाँ से मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिवाइस स्टोरेज पर जा करके LMC 8.4 में पेस्ट कर देंगे। अभी देख सकते हो इसमें अभी 79 है और 3 और ऐड कर देंगे 82 हो जाएगा। और यहाँ से मूव सक्सेसफुली हो चुका है, व्यू वाले ऑप्शन पर जाकर देखेंगे तो हमारा हो चुका है। इतना करने के बाद हमारा जितना भी प्रीसेट और XML फाइल था वो सब ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले तुमको LMC 8.4 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तुमको स्लाइड डाउन करना है और यहाँ पे तुमको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन तुमको मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और मोर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन तुमको इसमें से कुछ नहीं करना है, बस एक सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना है जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे है कॉन्फिग सेटिंग और यहाँ पे तुमको सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिसका नाम है सेव सेटिंग्स। और यहाँ पे तुम अपना नाम या फिर किसी का भी नाम सेव कर सकते हो। तो मैं अभी अपने चैनल का नाम ही लिख लूँगा और यहाँ पे कीबोर्ड को डाउन कर दूँगा। कीबोर्ड को डाउन करने के बाद यहाँ पे यस को क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद और बैक पर जा करके HDR को HDR प्लस में कर देंगे और फिर XML फाइल को देखने के लिए शूटर वाले ऑप्शन के बगल में डबल टैप करेंगे तो हमारा सारा XML फाइल दिख जाएगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इतना सारा XML फाइल है कि तुम्हारा फ़ोटो खींचते खींचते आँख दर्द कर देगा, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तो चलो इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेते हैं। तो मैं अभी के लिए इसी को चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमारा कैमरा एक बार रीलॉन्च होगा। तो मैं अभी अपने विंडो के पास बैठा हूँ तो मैं विंडो का ही एक शॉट लूँगा तुम्हारे लाइव प्रूफ के लिए। अब देख सकते हो फोटो हमारा क्लिक हो चुका है। इसके बाद फोटो पे हम लोग टैप करेंगे और देख सकते हो फोटो हमारा काफ़ी शानदार और सैचुरेशन सारा कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।